भारतीय रेल अपनी विकास यात्रा में तेज गति से काम कर रही है और भविष्य में आने वाली हर चुनौती से निपटने के लिए भारतीय रेल ने राष्ट्रीय रेल योजना 2030 का मसौदा तैयार किया है, जिससे फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बनाया जा सके। राष्ट्रीय रेल योजना नाम की इस दीर्घकालिक योजना को इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी क्षमता को बढ़ाने तथा रेलवे और व्यापार की औसत हिस्सेदारी में वृद्धि करने की रणनीतियों के लिहाज से तैयार किया गया है। इसका लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना, 2030 तक माल ढुलाई में रेलवे की औसत हिस्सेदारी को बढ़ाकर 45% करना, मालगाड़ियों की औसत गति को बढ़ाना, भारतीय रेल मार्ग के मानचित्र के परिप्रेक्ष्य में मांग में वृद्धि का आकलन करना और भविष्य में नेटवर्क की क्षमता में वृद्धि करना है। राष्ट्रीय रेल योजना के एक अंग के रूप में 2024 तक कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें भारतीय रेल का 100% विद्युतीकरण करना, भीड़भाड़ वाले मार्गों की मल्टी ट्रैकिंग, दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई रेल मार्गों पर गति को 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाना, वहीं स्वर्णिम चतुर्भुज रेल मार्ग की गति को 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाना है। राष्ट्रीय रेल योजना का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2030 तक ऐसी क्षमता का निर्माण करना है जो मांग से अधिक रहे तथा 2050 तक की मांग में होने वाली वृद्धि को पूरा कर सके। राष्ट्रीय रेल योजना 2030 के जरिए नए भारत के निर्माण में भारतीय रेल देगी अपना महत्वपूर्ण योगदान।